हेलो फ्रेंड्स, आज है हैप्पी भाई दूज और आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अपने घर में भाई दूज मना रहे हैं। मैं और मेरे भाई अपनी बड़ी बहन के हाथ से भाई दूज का टीका लगवाएंगे। छोटी बहन तो दूर रहती है, इसलिए कोरोना के टाइम पर तो उसका आना पॉसिबल नहीं है, तो दूर से वो वीडियो कॉल कर लेगी हमको, तो यहीं से हम उसका आशीर्वाद ले लेंगे। तो अभी भाई दूज का प्रिपरेशन चल रहा है, पूजा पहले ही हो चुका है, अभी दीपक जलाएगी, टीका लगेगा, फिर प्रसाद मिलेगा, मिठाई मिलेगा, ये सब जो भी भाई दूज का प्रोसीड्योर होता है वो सब अभी पूरे किए जाएंगे। तो अभी हम अपने घर पर ही हैं बोलपुर में, तो मेरी बड़ी बहन आई है, तो उसके हाथ से हम भाई दूज टीका लेंगे। दीपावली के एक दिन बाद भाई दूज का त्यौहार आता है, जो भाई बहनों का त्यौहार है, तो साल भर इस दिन का इंतजार सभी भाई बहनों को रहता है, मुझे भी रहता है, मेरी बहनों को भी रहता है। इस त्यौहार के पीछे की क्या कहानी है वो तो मुझे याद नहीं, बस मनाया जाता है यही मुझे पता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, कुछ तो होगी तभी इस पर्व का इतना महत्व है। चलिए, हमको टीका लग चुका है, अब मिठाई खाने की बारी है। मेरी माँ भी अपने मेरे दो मामा लोगों को यहीं से भाई दूज का सब कुछ भेज देती है, जो हर साल मेरे मामा लोग पटना में रहते हैं तो वहाँ पोस्ट से चला जाता है, पहुँच जाता है। पहले तो हम लोग जाते थे पूजा की छुट्टी में, तो वहीं पर भाई दूज मनाते थे, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है और कोरोना में और भी मतलब निकलना ठीक नहीं है, तो इसलिए हम लोग दूर से ही मना लेते हैं। सारी फॉर्मेलिटी पूरा होने के बाद अब खाने पीने की बारी। मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगा है, सुबह से बिना कुछ खाए बैठे थे कि पूजा होने के बाद खाने को मिलेगा। तो यह आदित्य मेरे बड़ी बहन, बड़ा भगना नेफ्यू, बहुत ही चंचल, हमेशा
छल कूद करने वाला यदि क्लास 9 में पढ़ता है और इस पूरे साल उसको स्कूल जाना नहीं पड़ा है, घर पर ही बिताना पड़ा कोरोना की वजह से। अब नेक्स्ट ईयर उसका क्लास 10 हो जाएगा, पढ़ाई की बहुत प्रेशर है उसके ऊपर। और मेरे घर, हमारे घर आने के लिए उसको बहुत मन करता है, लेकिन बेचारा आने का परमिशन उसको नहीं मिलता। और अपने नानी के हाथ से भाई दूज का टीका लेते हुए, क्योंकि उसकी अपनी तो कोई बहन है नहीं, इसलिए नानी से ही भाई दूज का टीका लगवा रहा है। अब खाने की बारी। आज का मेनू है पूरी, खीर, आलू दम और पता नहीं क्या क्या, ढेर सारी मिठाइयाँ भी होंगी ज़रूर। तो ये सब खाने के बाद फिर तो मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरी बहुत पसंद है और मेरा फेवरेट खाना बना है आज। हम दोनों एक साथ खाते हुए, एक ही प्लेट में हम खाते हैं, इसलिए ज़्यादा बर्तन भी जूठा नहीं होता है। अभी हम आ गए सिवरी अपने ससुराल में वाइफ के साथ। वो भी अपने भाई को भाई दूज का तिलक लगाने वाली है और लगा भी रही है। तो दोपहर के बाद शाम को हम निकले थे, तो एक घंटे का रास्ता है सिवरी आने पर। और माँ शंख बजाते हुए इस त्यौहार को और भी पवित्र बना रही है। वही खाता है, दूसरे किसी को खाने के लिए नहीं मिलता।
भाई बहन एक दूसरे को तिलक लगा चुकी है। भाई की बारी है अपने बहन को तिलक लगाने का। अपने बहन के हाथ से भाई गिफ्ट लेते हुए, उसको ये गिफ्ट जरूर बहुत पसंद आएगा मुझे विश्वास है। यह सोनिया अपनी दीदी के हाथ से टीका लगाते हुए, सभी को टीका लगा देंगे, कोई बात नहीं, सभी एक दूसरे के भाई बहन है। मिठाई भी अपने चॉइस से खाते हुए कि मुझे वो वाला मिठाई खाना है। हो गया? अभी गिफ्ट देना बाकी है। अभी गिफ्ट की बारी। बहुत खूबसूरत साड़ी। इसी के साथ समाप्त हुआ आज का ब्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।